लोग लाइव। सबसे पहले तो पोला तिहार के सभी बहनों को गाढ़ा गाढ़ा बधाई। और देखिए एक बात की खुशी खास तौर से महिलाओं को होती है कि जब रीति रिवाज परंपरा संस्कृति से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम हैं जो भी त्योहार है उन्हें खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं समझती हूँ कि इस तीजा का तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध महिलाओं से है क्योंकि ये व्रत मायके में मनाया जाता है। और मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी जो कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं बल्कि मैं समझती हूँ कि इस प्रदेश के अभिभावक की तरह भी हैं, वो जो एक दिन का मायका बना देते हैं सीएम हाउस को, मैं समझती हूँ उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बात मैं आप लोगों से और साझा करना चाहती हूँ। मेरा जन्म जबलपुर में हुआ और उस समय हुआ जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था, तो अगर ये तर्क माने तो मैं भी एक तरह से छत्तीसगढ़िया ही हूँ या मध्य प्रदेश की हूँ, दोनों बातें एक साथ मिल जाती है। तो आज पोला का त्योहार मनाने के लिए मुझे भी मायके में बुला लिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भूपेश जी को। और करू भात खाना, निर्जला व्रत रखना, पति की लंबी उम्र की कामना करना, मैं समझती हूँ कि ये एक महिला ही कर सकती है जो इतनी दृढ़ शक्ति के साथ अपना सब कुछ त्याग करके भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश और अपने देश के बारे में सोच सकती है। तो एक बार मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहनें अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और लंबा भाषण नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आज का दिन जो है वो थोड़ी मौज मस्ती का दिन भी है, अलग अलग तरीके के नाच गाने खेल जो भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उन्हें मनाने का दिन है। पर मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ अस्मिता का जिस तरह से पोषण हुआ है कांग्रेस के कार्यकाल में, उसे हम सभी बहनों को याद रखना है, आगे बढ़ाना है। जो बहनें यहाँ पर नहीं आ पाई उन्हें भी बताना है। मैं समझती हूँ मीडिया के भी बहुत साथी हैं जो इस बात को आगे ले जाएंगे और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की और हमारे देश की संस्कृति भी आगे फलती फूलती रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। मैं अनिला जी को भी बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये महिला विकास मंत्रालय की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ। छाया वर्मा जी, जब मुझे छत्तीसगढ़ का जब चुनाव था तो मुझे स्टार प्रचारक बनाया गया और मैं और छाया वर्मा जी हम खूब यहाँ पर हम सैकड़ों किलोमीटर गए, प्रचार किया महिलाओं के भी बहुत सारा। उनके गृह जिले में हमने 500,000 महिलाओं की, तिल्दा नेवड़ा में हमने 500,000 महिलाओं की एक मीटिंग की थी। तो छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका भी रहती है, न सिर्फ घर और परिवार संभालने में बल्कि राजनीति को भी नई दिशा और दशा देने में। तो वो काम आप करते रहिए, मजबूती के साथ करते रहिए। मैं टीएस सिंहदेव जी का भी हाथ जोड़कर मैं तो स्वागत क्या करूंगी, पर मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी यहां पर अच्छी तरह से चल रहा है। थोड़ा विपक्ष इधर उधर की बातें करने की कोशिश करता है पर एकजुटता जो कांग्रेस पार्टी की है उसके आगे जो आई थी एक महिला, यहाँ पर याद होगा आपको, जो प्रभारी है, नाम नहीं लेना चाहूंगी आज के दिन, वो अपना संस्कार दिखा गई, कुछ थूकने वूकने की बात कर रही थी। तो मैं कहती हूँ कि आसमान की तरफ मुंह करके तो कभी नहीं थूकना चाहिए, अपने ऊपर ही गिर जाता है। और जिसके खुद के घर कांच के हों उसे दूसरे पर तो कभी भी शीशा नहीं उछालना चाहिए। महिलाओं को इस तरह की बात करना मुझे लगता है ये भाजपा और संघ की संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति है वो आप सभी सुसंस्कृत महिलाएं आज दिखा रही हैं। एक बार फिर अपने लिए ताली बजाइए और मेरी बात को आपने इतने धैर्य के साथ सुना, मैं आपकी और पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस परिवार की बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत और छत्तीसगढ़ की महिलाएं जिंदाबाद। धन्यवाद रागिनी जी, आपके वक्तव्य से हमारी बहनों में और जोश आएगा और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने बहुत जिम्मेदारी से इस सरकार को 3/4 बहुमत से लाने में अपनी भूमिका निभाई है। मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी को कि वो भी अपना एक संक्षिप्त उद्बोधन हमारी बहनों को दें।